नमस्कार, स्वागत करते हैं यूट्यूब एग्जाम अकेडमी पे। बात करेंगे यूपी प्लस ईएसओ को लेकर, बहुत ही बड़ी न्यूज है, अंत तक देखिएगा आपका मन खुश हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप बात करते हैं, सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आते हैं कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है। इसका रिजल्ट जो है जनवरी में मैंने बता दिया था, रिजल्ट मई में नहीं आएगा। आपका रिजल्ट मिड ऑफ फरवरी में आने के चांसेस है, वो 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है डिग्री को लेकर, क्या मान्य होगा ओ लेवल के समकक्ष में पीजीडीसीए तो मान होगा क्योंकि यहाँ पे इसके लिखा हुआ है, पीजीडीसीए के अलावा क्या मान होगा वन ईयर कंप्यूटर डिग्री में क्या मान होगा, उसको लेकर सबसे ज्यादा मुझे पूछा जाता है कि मैंने ये डिग्री किया है, मैंने वो डिग्री किया है। और काफी लोग ये मान रहे थे कि पीजीडीसी को मान लिया जाएगा और किसी डिग्री को मान नहीं जाएगा। तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सारा डिग्री डीओएपी डीओएम डीओएमए ADC, ADCA, लेकिन इसके एक ट्विस्ट है, उसको भी समझना जरूरी है। यहाँ पर देखिए पूरे डिग्री का लिस्ट है, आपने इसमें से कुछ भी किया है तो आपका मान्य होगा वन ईयर डिग्री के लिए। लेकिन 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 जो है वो आप शर्त समझ लीजिए कि किस में मान्य होगा किस में मान्य नहीं होगा। पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ से डो एक से किए हैं तो वो मान्य होगा कम से कम, और आपका जो किसी बोर्ड किसी विश्वविद्यालय UGC और यहाँ पे AIELIT यानी ये जो संस्थान है इससे आप किए रहेंगे कोई भी वन ईयर कंप्यूटर कोर्स डिग्री तो आपका मान्य होगा। अगर इसके अलावा किसी से भी किए रहेंगे तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पूरा यहाँ से मान्य किया गया, गवर्नमेंट की साइड से लिया गया है, ये पूरा ऑथेंटिक न्यूज है। लेकिन एक और चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली, इसमें से कुछ लोग होंगे जब ये सारी डिग्री जब अलाउ कर दी जाएंगे तो इसमें से कुछ लोग होंगे इसका क्या करेंगे, विरोध करना शुरू कर देंगे, इसके ऑपोजिट चले जाएंगे, बोलेंगे कि ओ लेवल और पीजीडीसी को मान किया जाए और सबको छांट दिया जाए। तो उनका कोई भी बात माना नहीं जाएगा, आयोग आपके साथ रहेगा, आपकी सारी डिग्री मान होगी, बस आपके ये इंस्टीट्यूट देख लीजिएगा बोर्ड विश्वविद्यालय UGC AICTE और NIELIT से होना चाहिए तो ये मान होगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा। अभी के लिए इतना ही न्यूज़ था, बेस्ट ऑफ लक, और कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर से जरूर बताऊंगा। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, इतना ऑथेंटिक न्यूज़ देता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू देखने के लिए, जुड़े रहेंगे एग्जाम के साथ।